नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। तो ये है 20 ईयर्स की फीमेल और ये जानना चाहती हैं कि इनकी पढ़ाई जो ये कर रही हैं क्या वो पूरी हो पाएगी, कैसा रहेगा उस पढ़ाई से फ्यूचर, फॉरेन कंट्री जा पाएंगी, आगे फॉरेन कंट्री में कोर्सेज करना, और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं, आइए उन प्रश्नों के उत्तर इनके हाथ में ढूंढते हैं। तो सबसे पहले जब हम इनके हाथ को देखते हैं तो ये एक स्क्वायर्ड पाम है। देखिए, अच्छा खासा स्क्वायर्ड पाम है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों की एक ख़ास बात होती है, वो चीज़ों को गहराई तक लेके जाते हैं और बारीक बारीक चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं, और जब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। वो बहुत एक तरह से हर चीज़ को बड़े परफेक्शन ढूंढते हैं, हर चीज़ में बड़े परफेक्टली काम करना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर। और जब वो काम कर रहे हो उस समय उनको किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर इनके हाथ में एक बड़ी खास बात है। देखिए, यहाँ पर एक सीमियन लाइन इस तरह से फॉर्म हो जाना और साथ में ये मस्तिष्क रेखा का भी इस तरह से बन जाना, दोनों चीज़ें हैं। जनरली हाथ में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे एक हृदय रेखा निकलती है कुछ इस प्रकार से, ये हृदय रेखा ऊपर की ओर उठ जाती है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ जाके मिलती नहीं है। और मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा में नहीं मिल रही है, देखिए इस तरह से हृदय रेखा इस तरह से चली, चाहे यहाँ तक आए और फिर यहाँ से जीवन रेखा आई, मस्तिष्क रेखा इस तरह से चलेगी। इस तरह से दोनों रेखाओं आपस में चलती हैं, तीनों रेखा आपस में चलती हैं, लेकिन यहाँ हाथ में सीमियन लाइन इस तरह प्रकार से गई और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा टच हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा इस तरह से निकली, ये दो भाग में। तो ऐसे में मीनिंग ये होता है कि इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा टच्ड होता है, पर और दोनों रेखाओं में डिफरेंस होने की वजह से परिवार से कम बनती है, माता से कम बनती है स्पेशली। और माता से जैसे होता है कि हर पर्सन अपनी मदर से काफ़ी क्लोज होता है, तो ये थोड़ा सा अपनी मदर से अटैचमेंट कम रखना, अपनी मन की बात मदर से कम शेयर करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, या पारिवारिक मतभेद या माता को कोई कष्ट होना, इस तरह की चीज़ों की ओर इंडिकेशन देता है। तो ये एक बड़ी अलग चीज़ है हाथ में, मस्तिष्क रेखा का भी होना, साथ में सीमियन लाइन का भी होना। और आगे ये रेखा और क्या क्या फल देंगी ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो और जैसे कि इन्होंने कहा है कि विदेश जाना चाहती हैं, विदेश के लिए पढ़ाई, तो देखिए यहाँ से भाग्य रेखा का निकलना विदेश की ओर इशारा करता है। और हाथ में और भी अच्छे अच्छे चिन्ह हैं जो हम वीडियो के दौरान देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मनी ट्रायंगल है, तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर ये देखिए, एक तो पहले ग्रेटर ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म हो रहा है, इस तरह से फॉर्म हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर ये पैसे की तिजोरी, देखिए अंदर से अंदरूनी एसेट्स इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे और ये अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करा करेंगी, बैंक के अलावा और भी जगह इन्वेस्टमेंट बने रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल दिखाई देता है। एक खास बात और है हाथ में, यहाँ पर ये इस तरह से ये मछली का चिन्ह नुमा ये पोर्शन बन रहा है। तो जब इस तरह का पोर्शन ये मछली का रूप लेता है, ये आग हो सकता है ये 20 वर्ष की उम्र है, तो आगे जाके ये इस तरह से टेल बना दे, इस तरह से ये पूरा मुंह तो बन गया है, टेल बना ले, तो ये काफ़ी इंसान को धन संपत्ति दिलवाता है, काफ़ी ज़्यादा राइज कराता है। इंसान ने सोचा भी नहीं होता उतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है अगर ये मछली का चिन्ह का और अच्छे से रूप ले ले। और यहाँ पर हाथ में देखिए जीवन का ग्राफ देखें, ये देखिए लोग समझते हैं कि हम ऐसे ही बता रहे हैं, ये देखिए कितनी ऊंचाई है, मछली का चिन्ह भी है और कितनी ऊंचाई है ये हाथ में, और फिर एक स्टेबिलिटी ले लेंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान पूरी ज़िंदगी ऐसे ग्रो करता रहे, हर इंसान को क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से जाती है रेखा, फिर इस तरह से स्टेबिलिटी ले लेती है, आपका एक लेवल बन जाता है कि हम इस लेवल पर खड़े हैं, और जैसे कि यहाँ से शुरुआत करी ज़िंदगी की, इस लेवल पर खड़े हो जाना और फिर उसी लेवल को आगे बढ़ाते जाना। अगर ये रेखाएं नीचे की ओर गिर जाएं, जैसे अगर ये लेवल की जगह इधर गिर जाए, तो इंसान यानी बीच के ज़िंदगी में अपने जो मिडिल एक एज में बहुत ज़्यादा राइज करता है और फिर एकदम अचानक से नीचे गिर जाता है। तो ये अगर ऐसे नीचे की ओर गिर जाए तो समझिए नीचे गिर जाता है,
लेकिन ये देखिए, ये फिलहाल इनके हाथ में बड़ा अच्छा है कि उस ग्रोथ को मेंटेन करे रहेंगी ये, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो जो उंगलियाँ हैं, ये देखिए नीचे से मोटी है, ये देखिए, और मांसल हैं, और ऊपर से पतली हो रही हैं। तो ऐसे लोग अपना काम ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोग फ्रीलैंसिंग वर्क, अपनी कंसल्टेंसी। यहाँ पर देखिए बुध रेखा भी इस चीज़ को जस्टिफाई करती है, देखिए इस तरह से ये थोड़ी टूटी टूटी है, थोड़ा सा ब्रेक्स हैं इसमें, लेकिन ये चीज़ को जो अभी हमने देखा अपना काम करना, इस तरह की चीज़ों का ये इंडिकेशन देती है। कोई कंसल्टेंसी वर्क करना या अपनी एक तरह से बिजनेस करना, इस तरह की चीज़ों को स्पेसिफाई करती है। अब जैसे हाथ में यहाँ पर जो उंगलियाँ इस तरह की होती हैं, तो ऐसे लोग बड़े सीधे होते हैं, जो जिसने कह दिया वो उस बात को सच समझ के बैठ जाते हैं, और ऐसे लोग जीवन में कई बार धोखा भी खाते हैं लोगों से। और हाथ में एक ख़ास बात है कि इनकी जो पांचों उंगलियाँ हैं अंगूठे समेत, ये देखिए रेडियल लूप है, इस तरह से लूप आ रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि लोगों से धोखा ज़्यादा खाते हैं ऐसे लोग, बहुत सीधे होते हैं, जब जिसने जो बात कह दी उसी बात को मान लिया, या किसी ने कोई झांसा दिया उसके झांसे में आ जाना, इस तरह की ये देखिए ये बात समझाते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ भी रेडियल लूप आ रहा है इस उंगली में, देखने में लगता है कि ये कुछ इस प्रकार का, ये जो आर्च टाइप का, ये इस टाइप का है। तो ये इनको जीवन में काफ़ी तरक्की कराएगा। और यहाँ पर भी ये आर्च है, यानी कि ये दो उंगलियाँ, सूर्य की उंगली और बुध की उंगली में जब आर्च होता है, तो इंसान में पैसे रुपए की समझ बहुत होती है, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह से उस पैसे को लेके चलें, डबल का ट्रिपल उस पैसे को कैसे और ग्रो करा जाए, इस तरह की बुद्धि ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी पाई जाती है। और यहाँ पर सूर्य की अपनी कला से इंसान अपनी पहचान बनाता है, काफ़ी जीवन में राइज करता है। और ऐसे लोगों को मान सम्मान इज्जत शोहरत तो मिलती ही है, अपने फील्ड की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से लोगों में जाने जाते हैं, और एक इनका अच्छा खासा सर्कल बन जाता है, और कई बार ऐसे लोग जीवन में पुरस्कार तक पाते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें छोटा सा गैप है इधर, तो ऐसे में थोड़ा लोग केयरलेस भी होते हैं, बातों को जल्दी समझना नहीं चाहते। यहाँ पर क्या है, दोनों फिंगर देखें तो बराबर हैं, तो दोनों फिंगर यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, साथ में काम करने का जज्बा भी अच्छा खासा है, क्रिएटिव होते हैं, टैलेंट काफ़ी अच्छा खासा होता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये फर्स्ट फिंगर ये थोड़ा सा इधर की ओर टिल्ट है, तो धार्मिक भी है, ऊपर वाले में काफ़ी ज़्यादा आस्था रखती हैं, काफ़ी विश्वास करती हैं। और ये नीचे की ये फिंगर, बुद्ध की फिंगर, लिटिल फिंगर फर्स्ट चैलेंज तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में इंसान जीवन में थोड़ा केयरलेस भी होता है, उसमें थोड़ा सा एक तरह से टैक्टफुलनेस की कमी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की दिक्कत होती है। और देखिए जैसे हमने कहा कि ये पूरे घूमे होने के कारण, गोल होने के कारण, नीचे से शेप देखें, नीचे फिंगर में मांसल है लेकिन ऊपर आते आते पतली हो रही हैं, तो ऐसे लोग धोखा ज़्यादा खाते हैं। तो ये इस तरह के, जब थोड़ा सा टैक्टफुलनेस की कमी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी होना, दो लोगों से धोखा ज़्यादा खाना, इस तरह की चीज़ हाथ में दिखती है। और इसका एक प्रूफ ये देखिए यहाँ पे, ये जो सीमेन लाइन है देखिए कितनी डिस्टर्ब रही है, तो ये इस चीज़ को जस्टिफाई भी करती है, प्रूफ करती है। अब हाथ में यहाँ पर चलते हैं बुद्ध पर्वत की ओर, बुद्ध पर्वत सॉरी गुरु पर्वत की ओर। तो गुरु पर्वत पर यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई देता है, जब ऐसा ट्रायंगल होता है तो इंसान को जीवन में एक अकस्मात पदोन्नति होती है, जैसे कि एक तरह से बड़ा प्रमोशन मिलना, एक राइज करना, कभी इस तरह की चीज़ मिलती है। और कई बार ऐसे लोग थोड़ा सा लॉटरी या सट्टे में भी जीत जाते हैं, या कोई बड़ा जैकपॉट टाइप का हाथ लगना, कुछ इस तरह की योग हाथ में बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये शुक्र बल है, अच्छा खासा शुक्र बल है फॉर्म हो रहा है, डिज़ायर्स बहुत अच्छी होती हैं, साथ ही साथ ऐसे शुक्र बल जब बनते हैं तो इंसान जीवन में काफ़ी धनवान बनता है, अच्छी बहुत बढ़िया लग्जरियस लाइफ जीता है। तो ये देखिए बड़ा अच्छा ट्रायंगल का निशान है हाथ में, और ये देखिए ये एक इस तरह का शुक्र वलय है, साथ में ये मछली का चिन्ह भी हाथ में बन रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमें हाथ में अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं।
और जो इन्हें धनवान बनने में बहुत सहयोग करेंगी। जब हाथ में जितने ज़्यादा अच्छे चिन्ह होते हैं उतना ही इंसान को कम एफर्ट्स में ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं। यहाँ पर अब देखिए शनि पर्वत पर आते हैं, तो शनि पर्वत पर ये देखिए बहुत क्लियर मछली का चिन्ह है। देखिए ऐसे ही नहीं इंसान बोलता है, यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा ये मछली का चिन्ह, कितना क्लियर कट मछली का चिन्ह बना हुआ है। तो जब ऐसा मछली का चिन्ह होता है इंसान की ओल्ड एज बहुत लग्जरियस होती है। जो जो उसने जीवन में ख्वाब बुन रखे होते हैं कि मुझे मेरे घर के आगे दो गाड़ी खड़ी रहे, चार नौकर खड़े रहे, ये मेरे पास इतने मकान हो, वो सब इच्छाएं उसकी लगभग पूरी हो जाती हैं और एक तरह से उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती जीवन में। और यहाँ पे देखिए ये एपेक्स के चिन्ह हैं तो ये इस पर्वत को बल देते हैं, जो भी इच्छा इंसान करता है उसमें जो बाधाएं आनी होती हैं ये बाधाएं एपेक्स से अपने आप खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। यहाँ पे भी देखिए गुरु पर्वत पर अच्छे खासे एपेक्स हैं, तो एक तरह से गुरु पर्वत को भी बल देते हैं। हमेशा नॉलेज को अपडेट करना, अपने आप को एक तरह से समाज में बनाए रखने के लिए एक होता है कि इंसान अपने आप को काबिल उस काबिल बनाना, इस तरह की क्वालिटीज़ ऐसे लोगों में पाई जाती है। अब हाथ में यहाँ चलते हैं सूर्य पर्वत की ओर। तो सूर्य पर्वत पर देखिए ये नक्षत्र का चिन्ह दिखाई दे रहा है, नक्षत्र का चिन्ह है जो शुक्र वलय को से भी होते हुए जा रहा है। तो ये नक्षत्र का चिन्ह इंसान को जीवन में बहुत तरक्की दिलाता है। अपने पेरेंट्स का गर्व से नाम ऊंचा करना, सूर्य पर्वत पर है तो पेरेंट्स को एक तरह से बहुत गर्वित महसूस कराना, बहुत प्राउड फील कराना और अच्छे स्रोतों से पैसा कमाना, इस तरह की चीज़ ये इंडिकेट करता है। तो ये जो चिन्ह है ये बहुत बढ़िया चिन्ह है हाथ में नक्षत्र का। अब हाथ में ये देखिए यहाँ पर विद्या की रेखा है, तो जीवन में अपडेट करती रहेंगी, विद्या की रेखा बहुत अच्छी खासी है। और साथ ही साथ अगर हम इनके देखें तो यहाँ पर भी एपेक्स इधर साइड में बन रहा है, तो ऐसे लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, किसी से लड़ना भिड़ना पसंद नहीं करते हैं। बुद्ध पर्वत पर देखें तो कोई खास रेखाएं हमें नहीं दिखाई देती, और परंतु ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी रेखा इस तरह से दिखती है और यहाँ से छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से चलती हैं। ये तो देखिए या तो पेट की गड़बड़ी की ओर भी इशारा करती हैं, और थोड़ा थोड़ा टूटा होने के कारण बार बार प्रोफेशन में एक तरह से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आना या थोड़ा सा एक सेटबैक आना, जैसे देखिए रेखा ख़त्म हुई कमज़ोर पड़ने लगी तो एक नई रेखा शुरू हो गई, इस तरह से चीज़ों का ये देखिए यहाँ पर रेखा खत्म होने लगी तो दूसरी रेखा शुरू हो गई, जब ये रेखा खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई, इस तरह से कंसल्टेंसी वर्क के बड़े अच्छे योग बनते हैं। अब आते हैं मंगल पर्वत की तरफ। देखिए मंगल पर्वत भारी मंगल काफ़ी मजबूत है, हिम्मती और साहसी बनाता है इंसान के जीवन में। एक तरह से जब भी कोई कठिनाई आती है इंसान बहुत हंसते हंसते झेलता है, बहुत टैक्टफुली उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है। जब अंदरूनी मंगल दबा होता है तो इंसान को रह रह के डर सताते हैं कि क्या होगा मेरे जीवन का, मैं कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कैसा रहेगा आगे, सब कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, इस तरह के उनके अंदर थोड़ा सा डर बैठे रहते हैं। परंतु हाथ में देखिए यहाँ पर ये इस तरह की रेखा है, ये देखिए इतनी लंबी रेखा है, दो सपोर्टिंग लाइंस हैं, तो ऐसे में इंसान के जीवन में कोई ना कोई मेंटर गाइड इस तरह के लोग रहते हैं कि जो उनको समय समय पे गाइड करते रहते हैं। जब जब ये गड़बड़ाते हैं या मुश्किलों में आते हैं तो कोई ना कोई इनके लिए साथ में खड़ा रहता है। साथ ही साथ ये प्रोटेक्टिंग लाइन्स भी होती है, गार्डिंग लाइन्स भी बोलते हैं कि जैसे कि अभी हमने कहा कोई ना कोई आके प्रोटेक्ट करता है, तो ये कोई ना कोई एक तरह से एक शक्ति के रूप में, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, फ्रेंड सर्कल हों या भाई बहन हों, इस तरह से कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा आके और आपकी मुसीबत को दूर करेगा। अब हाथ में यहाँ चलते हैं चंद्र पर्वत की ओर। देखिए तो चंद्र पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए है, यहाँ से एक बड़ी सी रेखा यात्रा की निकल रही है, ये भी रेखा निकल रही है और यहाँ से भी एक रेखा निकल रही है। तो जब इतनी ज़्यादा रेखाएं चंद्र पर्वत से निकल रही है तो ऐसे लोग फॉरेन कंट्री जाके अच्छा खासा धन लाभ का योग देखते हैं, किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करते हैं और कई बार किसी फीमेल का सपोर्ट भी होता है ज़िंदगी में, साथ ही साथ विदेशी लोगों से अच्छा खासा लाभ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, फॉरेन कंट्री जाके भी कमाते हैं पैसा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि एक छोटी सी रेखा यहाँ पे निकल रही है, तो फॉरेन कंट्री में ओल्ड एज भी बिताते हैं ऐसे लोग।
अब हाथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुक्र पर्वत की ओर देखिए, शुक्र पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए है, काफ़ी बड़ा है और शुक्र पे उभार भी अच्छा खासा है। तो ऐसे जैसे अगर लेडीज़ के हाथ में हो, फीमेल के हाथ में हो, तो उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ होता है, घूमना फिरना, खाना पीना और पार्टी करने का बहुत शौक़ होना, और अपने ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंस करना, साज सज्जा सजावट की चीज़ें, और ऐसे लोग ही घर भी देखने दिखाने लायक होते हैं, उनको वो अपने घर को भी बड़ा मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे लोग के हाथ में देखने को मिलती है, एक से एक बढ़िया ब्रांडेड चीज़ें। इनके ख्वाब बहुत होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब मेरा पैसे होंगे तो मैं ये लेकर आऊँगी, मैं अपने लिए ये करूँगी, उस तरह की इनकी सोच होती है। अब यहाँ देखें, अंगूठे पर बहुत अच्छा खासा मजबूत सशक्त अंगूठा है। देखिए, इतना बड़ा अंगूठा जब होता है तो इंसान काफ़ी दयावान होता है, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। और इस अंगूठे को देखेंगे, पीछे की ओर भी अच्छा खासा मुड़ता होगा, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं ऐसे लोग, जब जिसने जो कहा उसकी बात रख लेते हैं, उसका मन रखने के लिए अपने आप खुद का त्याग तक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अंगूठे में ये इस तरह का रेडियल लूप बन रहा है, तो दूसरों की बात का इनको बड़ा महत्व रहता है कि नहीं, उसने कहा है मुझे ये काम करना है, मुझे उसके शब्दों की बड़ी वैल्यू रखना, दूसरों का रिगार्ड करना, ऐसी नेचर पाई जाती है। यहाँ पर देखें, ये देखिए इस तरह से ये यव का चिन्ह बन रहा है, तो ऐसे में इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है, खासतौर से अपनी मिडिल एज में। और ये देखिए, यहाँ पर भी ये काफ़ी जल्दी शुरू हो रहा है, तो जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, काफ़ी चीज़ों के सुख सुविधा के साधन ही जुटा लेंगे। विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक बार मन में ठान लिया वो ठान लिया। ऐसे ही लॉजिक पावर देखें, तो लॉजिक पावर थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ा इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। और हाथ में देखें, यहाँ पर अच्छा खासा अंगूठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है चीज़ों को। अब चलते हैं रेखाओं की ओर, देखिए यहाँ पर लाइफ लाइन शुरू में डिस्टर्ब सी है, जिगजैग्ड है, और इससे जीवन रेखा से अलग है, यानी कि माता से कोई कष्ट होना, माता से दूर रहना, माता से दूरी बनाए रखना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और सलाह ना मिलना, ये एक मेन पॉइंट है। और यहाँ पर देखें तो ये कुछ बचपन थोड़ा सा कष्ट में दिखता है, ये देखिए लाइन, यहाँ पे देखें लाइन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह से कट्स हैं। और यहाँ पर देखिए, बड़ी जल्दी एज में राहु रेखा ने कट करना शुरू कर दिया है, यानी कि बचपन से थोड़ा सा 18-20 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा ये कट्स आ रहे हैं समय समय पर। अभी ये राहु रेखा के लिए अगर ये उपाय करें, अभी तो अगर 20वें वर्ष की बात करें, तो 20वें वर्ष में एक इन्हें 15-17 वर्ष में आसपास को एक राहु रेखा ने कट किया होगा, परेशान किया होगा, एक थोड़ा सा 20वें वर्ष के आसपास दिखाई देता है, या तो हो गया होगा कोई ऐसा इंसिडेंट या होने वाला होगा। और साथ में देखें, छोटी छोटी रेखाएं आगे आ रही है, ये देखिए 38 वर्ष के आसपास एक इंसिडेंट दिखता है। अभी से अगर ये उपाय करें तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो जीवन में नहीं आएंगी, और रेखा का असर नलीफाई हो जाएगा। आगे देखें तो इनका जो 40 के आसपास का टाइम पीरियड है, वो एकदम साफ सुथरा है, कि एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, कोई टेंशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ा सा फटीग की ओर भी इशारा करते हैं, थोड़ा आलस की ओर भी, या देखेंगे, सोचेंगे, हाँ कर लेंगे, कई बार ऐसी भी नेचर होती है, या इंसान को थोड़ा सा एक तरह से एनर्जी लेवल कम होना, थोड़ा फटीग होना, इस तरह की ओर भी इशारा करता है। अब हाथ में यहाँ पर देखें कि अगर मैरिज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो देखिए एक ही रेखा इधर से आ रही, एक ही इधर इधर आ रही है। अगर हम देखें तो इनका अच्छा खासा योग 25वें वर्ष में आराम से बनता है, 24-25 वर्ष तक आराम से योग बनता है। देखिए यहाँ पर लाइन का ऐड होना, यहाँ पर भी एक लाइन का इस तरह से ऐड होना, ये देखिए भाग्य रेखा में एक रेखा का जोड़ना और बड़ी जल्दी यहाँ जोड़ना, तो ये 24-25 वर्ष में कुछ इंडिकेट करती है, विवाह के योग बनाती है। और हाथ में देखें यहाँ पर
भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा जैसे हमने देखा था चंद्र पर्वत से निकली, यहाँ पर इस तरह से डबल हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यानी कि को डुअल सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में ऐड होना, आप खुद भी कमा रहे हैं लेकिन दूसरों की कमाई से आपको भी हेल्प मिल रही है, तो ये ऑब्वियसली हस्बैंड की कमाई की ओर इंडिकेशन देता है। और यहाँ पर हमने देखा कि ये देखिए अच्छा खासा मछली का चिन्ह ये इस तरह से फॉर्म हो रहा है, तो बहुत ये भी एक शुभ लक्षण है। और रात में देखें तो यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से रेखा चल रही है, ये देखिए टूट टूट के कंप्लीट हो रही है, यानी कि प्रोफेशन का बार बार बदलना या एक तरह से किसी चीज़ को आप चेंज ला रहे हैं, किसी चीज़ में रिनोवेशन कराना, किसी चीज़ को अलग सा थोड़ा और नयापन देना, इस तरह का और इशारा कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्या उनको फील्ड चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन कर रही हैं, तो यहाँ तो फिलहाल सीधी ही रेखा चल रही है और ये अगर मछली का रूप नहीं लेती है तो भी दो इनकम इनको कराएगी। तो इस तरह से उनके हाथ में ये उसी फील्ड से दोहरी इनकम कराना और मछली का चिन्ह है तो काफ़ी ज़्यादा इनको एक तरह से अनएक्सपेक्टेड राइज कराना, अनएक्सपेक्टेड गेंस कराना लाइफ में दिखाई देता है। और भाग्य रेखा अच्छी खासी है, लंबी है, अब चलते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल रही है, इस तरह से चल रही है, तो ये ज़रूर 35 वर्ष के आसपास कोई नया अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलना जिस पे इनको काफ़ी ज़्यादा माइंड एक्सप्लोर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नए नए आइडियाज़ आएंगे और उसके बलबूते पे ये अच्छा खासा नेम फेम मिलेगा। ये देखिए नक्षत्र का चिन्ह भी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। यहाँ पर एक उन्नति की रेखा अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से उन्नति की रेखा बार बार आ रही है, और देखिए बार बार उन्नति की रेखा आना है, यानी कि 30 से लेके 38 वर्ष तक का पीरियड काफ़ी अच्छा जाना, इस तरह की ओर इंडिकेशन देता है। अब हाथ में यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा जब इतनी यहाँ से निकल के लंबी हो तो अच्छा खासा इंसान जीवन में काफ़ी शार्प मस्तिष्क होता है, काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारी करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ जीवन में, इस तरह की विचारधारा दिखाता है। अब हाथ में यहाँ पर देखें कि हृदय रेखा, ये जो सीमियन लाइन है, सीमियन लाइन इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डिस्टर्ब है, जब इस तरह के घाव से और बार बार इस तरह की निशान से दिखाई देते हैं, कट्स से और खुरच जाना, देखिए रेखा को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है किसी ने पेन चला के खुरच रखी हो रेखा, देखिए तो इस तरह की रेखा हो तो दिल पे काफ़ी आघात पहुँचते हैं, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लोग उनकी बुराई उनके मुंह पे करके जाना, उनको चोट पहुंचाना, फीलिंग्स हर्ट करना, इस तरह की चीज़ ये इंडिकेट करती है। ऐसे में जब एक रेखा होती है इंसान अपने दिमाग से कम दिल से ज़्यादा फैसले लेता है और इसी वजह से धोखा भी खाता है। तो अगर हम देखें तो ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर कि लेफ्ट हैंड क्या कहता है। यहाँ पर देखिए विवाह रेखा को देखें तो इस तरह से सीधी जा रही है, तो विवाह में कोई दिक्कत नहीं है, विवाह अच्छा खासा रहेगा, सफल रहेगा विवाह, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए लेफ्ट हैंड की ओर, लेफ्ट हैंड में यहाँ पर सीमियन लाइन नहीं है, हार्ट लाइन अलग है और मस्तिष्क रेखा अलग है, और देखिए मस्तिष्क रेखा एकदम नीचे की ओर जा रही है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ की ओर इशारा करती है कि कोई ऐसा इंसिडेंट होना जिससे कि इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर आना और रेखा का नीचे की ओर ढलना। यहाँ से रेखा भाग्य रेखा एकदम स्ट्रेट निकल रही है, यानी कि विदेश की ओर पूरा इंडिकेशन दे रही है, किसी फीमेल का काफ़ी बड़ा सपोर्ट होना ज़िंदगी में, और ये देखिए बहुत अच्छा ज़्यादा इंडिकेशन ये दे रही है। हाथ में यहाँ पर देखें तो ये दोनों रेखा अब भी नहीं मिल रही है, यानी कि माता से सही में इनके विचार नहीं मिलते होंगे। और यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत बहुत डेवलप्ड नहीं है जितना कि वहाँ पर डेवलप्ड था, और भी हाथों में अगर हम देखें यहाँ पर देखिए हृदय रेखा भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है,
तो समय समय पे धोखा खाना, दूसरों से बुराई मिलना, इस तरह की चीज़ दर्शाता है। और माउंट्स देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है, यहाँ के माउंट्स बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है उस हैंड के कंपैरेटिवली। अगर हम दोनों ओवरऑल दोनों हैंड का कंक्लूजन निकालें कि जैसे हम बताते हैं कि लेफ़्ट हैंड वो होता है जो हमें अपने माँ बाप से मिलता है, हमें पेरेंट्स ने जिस तरह की परवरिश हमें दी होती है, और एक जो राइट हैंड होता है वो होता है जो हम अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, अपने फ्यूचर बनाते हैं, वो उस फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो अगर दोनों हाथों की कंपैरिजन करने पर हमें मिलता है कि वो राइट हैंड बहुत अच्छा है, फ्यूचर में बहुत कुछ मिलेगा, फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन में पढ़ाई करने भी जाना चाहती हैं तो वो भी मनोकामना पूरी होगी, साथ ही साथ फॉरेन कंट्री में रहना बसना ये सब की ओर भी इंडिकेट करता है। और अगर हम हाथ में देखें तो जैसे शादी का योग भी, जैसे हमने देखा 24 से 25 साल में, और साथ ही साथ शादी में अच्छा एक तरह से रेखा बहुत अच्छी है, शादी को अच्छे सफल बनाएगी, इस तरह की चीज़ें हमें हाथ में देखने को मिलती हैं। और भी जैसे इनका प्रश्न है फाइनेंशियली कैसा रहेगा, तो हमने देखा कि उस हाथ में एक तो इस हाथ में शुक्र वलय है, मछली का चिन्ह भी है, और साथ में देखिए यहाँ पर एक हमने स्टार का चिन्ह, अच्छा खासा स्टार का चिन्ह भी देखा था। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मछली का चिन्ह इस तरह से फॉर्म हो रहा है। इस तरह के 3-4 निशान बड़े अच्छे शुभ मिले हैं। जब इतने अच्छे अच्छे निशान हाथ में हो तो इंसान जीवन में काफ़ी तरक्की पाता ही है, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी खासी बनती है इंसान की, जितना उसने सोचा भी नहीं होता। और यहाँ पर देखिए गुरु पर्वत पर एक ट्रायंगल का चिन्ह है जो जीवन में कभी ना कभी इनको अवार्ड दिलाएगा, अपनी प्रतिभा की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जीवन में राइज कर पाएंगे। तो ये था इनके दोनों हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।